हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने झड़ते हुए बालों की समस्या से काफी परेशान हैं, बालों की गंजापन की समस्या से परेशान हैं, आपके स्कैल्प बिल्कुल खाली खाली हो चुके हैं, हेयर फॉल ज्यादा होता है, बाल सफेद हो रहे हैं, या बालों से जुड़ी कोई भी समस्या है फ्रेंड्स, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी बताने वाली हूँ, जो कि हेयर फॉल की समस्या को दूर करने के लिए, गंजापन की समस्या को दूर करने के लिए और बालों को सफेद होने से बचाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। रामबाण नुस्खा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स, जो कि बालों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने में काफी हेल्प करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ, जो हेयर रेमेडी बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्याज के रस से वो हेयर रेमेडी बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। प्याज का रस जो है वो हमारे बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं प्याज के रस में दो ऐसे और चीज को मिलाऊंगी जिसका प्रयोग करने से फ्रेंड्स जो रेमेडी है और भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है, और इसके यूज करने से 100% आपको फायदा मिलेगा फ्रेंड्स। आपके गंजे सिर पे बाल उगने लगेंगे, सफेद बालों की समस्या है तो बाल आपके काले होने लगेंगे, जड़ से आपके बाल मजबूत बनेंगे और गंजापन की समस्या बिल्कुल ही दूर हो जाएगी, ना ही आपके सिर पे डैंड्रफ की समस्या होगी और बाल झड़ना आपका बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। इस हेयर रेमेडी के बारे में बताने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक रेड कलर की प्याज लेनी है, क्योंकि रेड कलर की प्याज जो है काफी इफेक्टिव होती है, फायदेमंद होती है हमारे हेयर के लिए। अगर आपके पास रेड कलर की प्याज नहीं हो तो आप कोई भी प्याज ले सकते हैं, लेकिन रेड वाली प्याज जो है काफी बेस्ट रहेगी। इस तरीके से छिलका निकाल के अच्छे से साफ करके आपको टुकड़े टुकड़े में कट कर लेना है, जैसे कि मैंने कट किया हुआ है। बिल्कुल ही क्लीन कर लेना है पहले ही प्याज को, क्योंकि आपको हेयर में लगाना है तो साफ होना चाहिए। और इसे हम फ्रेंड्स कूटेंगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं कैसे इसे कूट कर रस तैयार करूंगी। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, तो हम इसे कूट लेते हैं फ्रेंड्स। और हमेशा याद रखना है कि आपको इसे ग्राइंड नहीं करना है, मिक्सी में पीसना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे पीस लेंगे तो इसका जो है प्याज का रस नहीं निकल पाएगा, प्याज का जो है पल्प निकलेगा, जो कि आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको कूट लेना है और ये इजिली जो है रस निकल जाता है फ्रेंड्स। प्याज जो है, प्याज में काफी सारे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे हेयर के लिए काफी अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। प्याज में विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को तेजी से हेयर ग्रोथ करते हैं, बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि प्याज के रस में सल्फर होता है, जो कि आपके पोर्स को पोषण देता है और उन्हें दोबारा से एक्टिव करने में मदद करता है। और फ्रेंड्स सल्फर जो है बालों को पतला और टूटने से भी रोकता है। तो फ्रेंड्स प्याज के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण आपके बालों को सफेद होने से भी बचाते हैं, आपके बालों और स्कैल्प को पोषण देने में काफी हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। और प्याज के रस में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होता है, जिस कारण से आपके स्कैल्प पे किसी भी प्रकार का संक्रमण होने नहीं देता है। अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो भी गया है तो उसको दूर करता है, बालों को झड़ने से रोकता है फ्रेंड्स। क्योंकि जो सल्फर है आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाता है, जिससे नए बाल को जड़ से मजबूत बनाने में और नए बालों को उगाने में काफी हेल्प मिलती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको प्याज का रस रेडी कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्याज का रस रेडी कर लिया है फ्रेंड्स, अब इसमें हम जो सेकेंड इंग्रेडिएंट यूज करेंगे वो है फ्रेंड्स नींबू। फ्रेंड्स नींबू जो है वो भी काफी यूजफुल होता है, फायदेमंद होता है हमारे हेयर के लिए। और वैसे फ्रेंड्स प्याज का जो स्मेल है काफी खराब होता है, बहुत लोगों को इसका स्मेल बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो अगर आप इसमें नींबू का रस डाल देंगे तो इसका स्मेल जो है कम हो जाएगा और ये जो रेमेडी है इफेक्टिव भी बन जाएगा। क्योंकि सैल्टिक एसिड होता है नींबू में, जो कि डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है, तो ये भी आपके बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो इसमें आपको आधे नींबू के, आप चाहें तो एक नींबू यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आधे नींबू का रस इसमें यूज करना है फ्रेंड्स, जो कि काफी इफेक्टिव बन गया है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इस तरीके से भी जो है इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक और ही चीज ऐड करेंगे, जो थर्ड इंग्रेडिएंट यूज करेंगे फ्रेंड्स वो है कोकोनट ऑयल, जो कि हमारे बालों को काला करने के लिए और बालों को नरिश करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है नारियल का तेल। तो यहाँ पे आपको एक चम्मच नारियल का तेल यूज करना है। अगर आपके हेयर जो है, बाल ज्यादा लंबे हैं, मोटे हैं, तो आप क्वांटिटी इसी टाइप से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हेयर के अकॉर्डिंग एक चम्मच यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज किया है।
तीनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। अब ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बन चुकी है, क्योंकि हमने इसमें प्याज का रस यूज किया है, नींबू का रस यूज किया है और नारियल का तेल यूज किया है, जो कि तीनों हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और प्याज का रस तो हमारे बालों के लिए वरदान की तरह काम करता है, बालों से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसको दूर करने में प्याज का रस बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाना कैसे है। इसके लिए आपको एक कॉटन की जो रुई होती है, कॉटन बॉल, उसको लेना है और इस रेमेडी में डीप करना है, और इससे आपको अपने स्कैल्प पर चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा लेना है, बालों की जड़ों में भी लगाना है और बचे हुए पार्ट को आपको अपने बालों के ऊपर भी लगाना है, बालों के एंड्स पे भी लगाना है, जिससे आपको दो मुहे बालों की समस्या जो होगी वो भी खत्म हो जाएगी। इस रेमेडी को लगाने के बाद आपको 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आपको इस रेमेडी को अपने बालों पे रखना है। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल शैम्पू करते हैं वैसे शैम्पू कर लेना है फ्रेंड्स। ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसे अगर आपको बालों से जुड़ी समस्या ज्यादा है, गंजापन की समस्या ज्यादा है, तो आप इसे वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक बार भी यूज करेंगे तो काफी फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है आपके बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में, बाल झड़ने की समस्या को दूर करने में, सफेद बालों को दूर करने में, सब आपके बालों को काला बनाता है और गंजापन की समस्या को दूर करने में रामबाण इलाज माना जाता है। तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको 100% फायदा मिलेगा। आप इसे लगाएंगे तो आपको खुद ही इसका एहसास होगा और आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी होम रेमेडीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।